इससे पहले इस देश से जुड़े हुए गीत आपने सुने, रंग दे बसंती में काम किया था, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये बिल्कुल अलग अनुभव है। क्योंकि देखिए, एक होता है कि आप कॉन्टेक्चुअल फिल्म की बात करते हैं, तो इस फिल्म के डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, तो उस वक्त एक दूसरी अप्रोच होती है, और दूसरी एक चीज़ होती है जिसे ट्रिब्यूट आप कहते हैं। ये एक ट्रिब्यूट है हम सब का। मेरे लिए मूलतः है ये फिल्म करने का मूल कारण, उस वक्त मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन मूल कारण दो थे। एक तो ये फिल्म, मुझे लगता था पता नहीं क्यों हम रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान चरित्र पर एक फिल्म, हमारे पता नहीं कब एक फिल्म बनी थी, क्यों नहीं बनती है, और ये खबर आई कि एक फिल्म ऐसी बन रही है, और ऊपर से सोने पे सुहागा जैसे कहते हैं वो, कंगना रनावत उसे प्ले करने की का इरादा पक्का कर चुकी है, तो आई थिंक आई कुंड हैव आस्क्ड फॉर बेटर, बिकॉज हमेशा जो आप अनुभव करते थे, महसूस करते थे, वो हो रहा था, और दिस वॉज अ टाइम फॉर मी टू बी एबल टू राइट एंड थिंक अबाउट। क्योंकि क्या हो गया है कि ये किसने पता नहीं किया है कि देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया किसी ने, कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है, ये तो खास बड़ी बात नहीं है। भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए, और जब देश से बात आ जाए तो ये सब उठ करके सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मरना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के कि हमारे यंगस्टर्स एंड ऑल कहते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत है, प्यार है तो उसको जताने की भी ज़रूरत है। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत दिन से एक हैशटैग शुरू करना चाहता था, देश प्रेम जताओ, और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे, कोई इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, मैं चाहता हूँ कि वो शुरू करूँ मैं, कि देश प्रेम जताओ। आपका कोई भी तरीका हो देश प्रेम जताने का, कविता लिख कर, गीत लिख कर, पेंटिंग बना कर, लेकिन बॉस जताना तो पड़ेगा, प्यार है तो दिखाओ यार, तो पहनो, वेयर इट ऑन योर स्लीव्स, यू नो, इश्क और मुश्क छुपे नहीं छुपते कहते, वो छुपाने की क्या जरूरत है, प्यार किया भाई, तो देश प्रेम जताओ का मैं हैशटैग करता हूँ। और मुझे लगता है इस फिल्म के गीत, और मुझे खुशकिस्मती है कि शंकर महादेवन, जिनको महादेवन मैं समझता हूँ, क्योंकि सचमुच इनसे अच्छा वॉइस इन गीतों को शायद ही मिलती, और एहसान लॉय जो कि जो साथ में जब भी हम लोग जुड़ते हैं और बात ऐसे निकल जाती है कि पता नहीं लगता कब काम हो गया। सो आई थिंक कमल जी थे इसमें, और बाकी लोगों से मेरा इतना परिचय नहीं हुआ, बात कम आप लोगों के साथ, बट आपने मेरे शब्द बोले हैं, डायलॉग्स बोले हैं, सो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा काम किया है, एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल रेजोनेट व्हाट हैज़ बीन डन बाय ऑल ऑफ यू हियर, एंड स्पेशली व्हाट कंगना हैज़ डन रिमार्केबली इन दिस फिल्म। देखिए, आई थिंक मैं तो जितने भी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा जाने माने हैं, और उनके जो जितने भी थॉट्स हैं, जैसे परसून सर के जो शब्द हैं उनसे मुझे तो सीखने को ही बहुत ज़्यादा मिला, और जो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो अलग अलग से नाम दिए गए हैं, चेस्ट थम्पिंग, जिंगोइज़म, ये नेशनलिज़म, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से शेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम इस तरह के शब्द हमारे सेट पे यूज़ करते थे तो खड़े होके कहते थे, परसून सर हो या चाहे विजेंद्र सर हो, हाँ तो है, चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज्म है, सो व्हाई नॉट, सो हाउ पैशनेट यू आर, दैट्स हाउ योर पैशन इज़ गोइंग टू बी, इट्स जस्ट लाइक परसून सर ने आज इतनी खूबसूरत बात कही कि प्यार कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, उसके लिए कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, और जब ये एक्सेप्टेंस पूरे दुनिया में हो रही है और हर तरह का झंडा लहराया जा रहा है, सतरंगी, पांच रंगी, तीन रंगी, दो रंगी, तो हमारे तिरंगे में क्या बुराई है, सो आई थिंक हम में कहीं भी शर्मिंदा जो भी लोग करना चाहते हैं इसके लिए, वी शुड नॉट फील अशेम्ड, एंड बाकी लाइक आई सेड, यू नो, आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस वेरी बिग फिल्म, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मैंने हमेशा आज तक छोटी छोटी फिल्मों में काम किया है, दिस इज़ एक्चुअली अ बिग फिल्म, नॉट बिकॉज ऑफ द बजट, नॉट बिकॉज ऑफ द स्टोरी,
it is a big film because the kind of artist I am getting to work with. And Shankar sir, Ehsan sir and Loy sir ke saath bhi meri pehli film hai. And ye hamare jo Tridev hain, inke saath bhi mujhe jo kaam karne ka mauka mila. What they have done in this film and what they have done for the film, I don't think words can explain. There are 7 to 8 songs in the film and each one of them is one better than the other. Hame samajh hi nahi aaya ki kisko launch kise kare pehle. But you guys are going to have a great time when you guys hear the album. One has to hit upon the right emotional thread for the film, and that we grabbed it the moment we composed Vijay Bhava, and we knew that Kabhi Iski music is going to go in a particular direction. And then after that, when Kangana came in, it was a complete change again. It was very beautiful because the kind of things that she brought into the film, a lot of emotional songs and that kind of thing, which really worked beautifully. And we've had a really, I think this is one of, I'd proudly say this is one of our best albums that we've done. You know, and I'm really, really proud to say that. And thanks to all these new singers and all who sung on the album, Siddharth, you know, Shivam, Prajakta and all, they've really done such a good job. You'll see the passion in the music and, you know, we're very proud of it. ऐसा कुछ हमें किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी ने हमें कहा कि आप डेट डिले कीजिए और ना ही किसी तरह का प्रेशर पड़ा है हम पे. इनफैक्ट हमें किसी ने अप्रोच भी नहीं किया. सो वी आर वेरी हैप्पी दैट यू नो वी हैव अ sort of a big window for, there are vacations and it's a big, you know, sort of a kind of a festive release. So I think two films can easily come. So far nobody has pressurized. It will be completely wrong to say that, you know, we've been approached or pressurized into doing something we don't want to do. Hum log hai na in excess of 3000 screens honge ye aur Hindi, Tamil, Telugu mein to aa hi rahi hai. So it's going to be the largest release of that weekend and largest release one of the largest release of female led film to definitely hai. So we are all very, you know, excited and please enjoy the movie and thank you for braving the cold. It doesn't feel like we are in Bombay.